पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेयर की जगह सॉलिड स्फेयर लिखें, सॉलिड स्फेयर की के नीचे लिखें नॉन कंडक्टिंग, ये तो बाय डिफॉल्ट है ना नॉन कंडक्टिंग, तो सॉलिड स्फेयर नॉन कंडक्टिंग जिसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, यानी कि रो यूज करेंगे डेंसिटी में, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो रो यूज करेंगे इसमें। अभी कोई फॉर्मूला लिखें, पहले सुन लें फिर एंड में फॉर्मूला नोट करेंगे। सॉलिड स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी क्वेश्चन नहीं आता एनसीईआरटी में, पोटेंशियल तो बहुत दूर की बात है, तो पोटेंशियल के ऊपर सिर्फ फॉर्मूला नोट करेंगे एंड में, इसके प्रूफ नहीं आते। बट मैं आपको बता देता हूँ कि प्रूफ का क्या चक्कर है। सबसे पहले शेल वाले फॉर्मूले रिपीट है, शेल के अंदर और सॉलिड स्फीयर के बाहर ई का फॉर्मूला सेम होता है, तो वी का फॉर्मूला भी सेम हो गया। सरफेस के ऊपर ई का फॉर्मूला शेल और सॉलिड स्फीयर का सेम है, तो वी का फॉर्मूला भी सेम है। प्रॉब्लम है इसके इनसाइड, सॉलिड स्फीयर के शेल के इनसाइड ई जीरो था तो वी कांस्टेंट था, पर सॉलिड स्फीयर के अंदर ई जीरो नहीं है। हमने किया था क्या फॉर्मूला है, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड कोई डी पॉइंट है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, यहां पे ई का फॉर्मूला है, ठीक है यहां तक। मेरे को यहां पे डी पॉइंट पे क्या निकालना है, वी निकालना है। प्रूफ सिर्फ उनके लिए जो कल को एडवांस में फाइट करेंगे, ना नीट चाहिए ना मेज में चाहिए। बस एक लाइन में बता देता हूँ कल को क्या चेंज करेगा वो मैं बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वी चाहिए, फिर मैंने इस पॉइंट डी और बी दो पॉइंट ले लिए। डी और बी पॉइंट में मैंने ई इज माइनर डी वी बाय डी आर लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई का फॉर्मूला पुट कर दिया, क्योंकि मैं डी बी से डी पे आ रहा हूँ, बी से सेंटर की दूरी कैपिटल आर है और सी से डी की दूरी स्मॉल आर है, तो मैं कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ, कैपिटल आर से स्मॉल आर पे आ रहा हूँ। तो मैं बेसिकली पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस में डी और बी दो पॉइंट्स ले लिए, डी पॉइंट पे पोटेंशियल वी डी है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है, तो क्योंकि मैं बी से डी पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे लिमिट्स आएंगी वी बी से वी डी, इनिशियल से फाइनल, और लिमिट्स यहाँ पर क्या आएंगी, कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो वी डी माइनस वी बी ये कांस्टेंट आ गया, इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी आर की आर स्क्वायर बाय टू, लिमिट पुट की जाएगी और डेंसिटी में लिखा जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। आपको कुछ नहीं करना, आप रिलैक्स करें, सॉल्व करें, वी बी को राइट साइड पे ले जाएं, बी पॉइंट सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, कुछ नहीं करना, कोई ना पूछेगा, सीधा फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। अब आप सोचेंगे करवाया क्यों, जब आना नहीं, मेंस की बुक खोल के देख लें, आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड इसी पे दे रखा है। अब ये फॉर्मूला नहीं बता तो करोगे कहाँ से, प्रूफ सिर्फ एडवांस के लिए आ सकता है। एडवांस वाले क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डेंसिटी वेरिएबल कर देते हैं 2R 3R, तो इंटीग्रेशन चेंज करवा देंगे आपकी, बस इतना फर्क है, इसलिए प्रूफ करवाया, जरूरत नहीं है वैसे। बट पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, नीट तो रिलैक्स करे, कुछ नहीं है जी, फॉर्मूला नोट करेगी, देखने वो देखा ही ना हुआ क्या, इसमें चाहिए नहीं आपको तो ठीक है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन नीट या मेंस में आ सकता है, मे बी ये तो सीबीएसई में भी आ जाए, कि ये फॉर्मूला इनसाइड का फॉर्मूला है पोटेंशियल का, अगर मैं इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर के ऊपर जाऊं, स्मॉल आर को क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो, तो जीरो पुट करते ये आंसर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 टाइम्स पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है। तो अगर सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 × 10 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो आप एक काम करें और लास्ट इसमें एक और चीज़ करें, इसके अंदर इसका ग्राफ मार्क करने को आ सकता है, कॉम्पिटिशन में एनसीईआरटी में नहीं आएगा, कि वी का फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के अंदर, वो जो बड़ा सा फॉर्मूला किया ना ये, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये अंदर ऐसा ग्राफ बनता है जो मुझे पता नहीं बना, याद ही करना है, लेकिन जो बाहर सॉलिड स्फीयर के बाहर जो वी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये इसकी ग्राफ की वेरिएशन याद करनी है, और सेंटर पे वी का फॉर्मूला पता है आपको 3/2 टाइम जितना सरफेस पे है। तो कल को एक ऑब्जेक्टिव आ जाए जिसमें वी का वेरिएशन सॉलिड स्फीयर का आ जाए तो ये वेरिएशन मार्क कर देनी है और कुछ नहीं करना, ठीक। अब अपने लिखना क्या है ये सुन लें, लिखने में पहला पॉइंट सॉलिड स्फीयर के, पहले और देख लें फॉर्मूला याद करना है आपने, कोई प्रूफ नहीं करना। सॉलिड स्फीयर के बाहर वी का ये फॉर्मूला, सरफेस पे कैपिटल आर कर देना है,
सॉलिड स्फेयर के इनसाइड वी का फॉर्मूला, यहाँ पे स्क्वायर आएगा प्लीज, स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, तो ये फॉर्मूला इनसाइड का है। फिर एक चीज़ और देख लें, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वाइज है, तो यहाँ पर चार्ज को क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम इनटू टोटल, रो इनटू टोटल वॉल्यूम। तो अगर मैं क्यू की जगह रो इनटू टोटल वॉल्यूम पुट करूँ और सॉल्व करूँ, तो ये आंसर आएगा पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ रो। मतलब ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं, ऐसे इसके अंदर क्यू की जगह रो इनटू वॉल्यूम ये आंसर आएगा, और इसके अंदर तो यही रहेगा। तो आप प्लीज़ ये छः फॉर्मूले नोट करें, पांच फॉर्मूले नोट करें, 1, 2, 3, 4 और 5, ये फॉर्मूले को नोट कर लें, और ग्राफ की वेरिएशन भी चाहे नोट कर लें, और इन फॉर्मूले के साथ ये भी नोट कर लें, पोटेंशियल सेंटर के ऊपर क्या रहेगा, सेंटर के ऊपर 3/2 टाइम्स जितना सरफेस पे है, सरफेस पे कितना है, इतना पोटेंशियल है, ये नोट कर लें। ये छः फॉर्मूलाज नोट करें प्लीज़, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्रूफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है।